हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम जमुआ। और आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के बुक से। और आज का जो टॉपिक होगा वो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ रेशनल फंक्शंस होगा। और एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं 7.5। इससे हम लोग इससे पहले चार क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, आज हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग इससे पहले जो देखते थे उसमें नीचे में फैक्टर हुआ करता था ना, दो फैक्टर हुआ करता था, दो कांस्टेंट, तीन फैक्टर हुआ करता था, तीन कांस्टेंट हम लोग लिया करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, हम लोग इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन को अभी छोड़ के चलते हैं, ये लिख लेते हैं 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे ये है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये फैक्टर में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको फैक्टर में बदल सकते हैं, आराम से बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये बोलिए 2x। अब गुणनखंड करने के लिए हम लोग सीखे हैं ना, क्लास 7-8 में ही सीखे हैं गुणनखंड करना। तो इन दोनों को गुना करते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं। बोलिए कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2x अपॉन, ये दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो x प्लस 2, और यहां से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो एक निकलेगा, तो यहां हो जाएगा x प्लस 2। और इस तरह से हमारा जो फैक्टर आ गया, वह फैक्टर क्या क्या आ गया कि ये आ गया 2x अपॉन, ये दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। ये दो फैक्टर हमें प्राप्त हो गया। ये देखिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं था लेकिन हम लोग उस तरह ले आए। अब ले आने के बाद क्या होगा कि नीचे में दो फैक्टर है, तो दो फैक्टर के लिए हम लोग क्या मानते हैं, एक कांस्टेंट ए बाय एक्स प्लस 2 प्लस बी बाय एक्स प्लस 1, ऐसे हम लोग कर लिए। तो हम लोग इसको ए और बी दो कॉन्स्टेंट ले लिए। अब ये दोनों कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालेंगे और वहां रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, पुराने क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे बस वैसे ही बनाएंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर हम लोग इसके बाद क्या किया करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये के साथ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो बी के साथ कौन आ जाएगा, एक्स प्लस 2। और इस तरह से ये दोनों आपस में यदि कैंसिल हो जाते हैं, हम लोग पिछले क्वेश्चन में कैंसिल किया करते थे, तो कैंसिल कर दिए, अब ये हो गया 2x। और इसका एलसीएम हम लोग ये मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस 2b हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सजा के लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 2x प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर x और कांस्टेंट का टर्म आना है, तो 0 किसी में भी जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से x कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और इधर ये देखिए दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों x था तो x कॉमन निकाल लिए, ये दोनों में x नहीं है तो दोनों को एक घर में रख लेंगे। अब इस तरह से ये हो गया x वाला टर्म और ये हो गया कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर x वाला टर्म तो था लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं था, तो जीरो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको जोड़ लिए। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। यहाँ x और कांस्टेंट दो ही टर्म है तो दोनों को हम लोग मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए x वाला टर्म और यहाँ वाला x वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2x, और x x कैंसिल कर देंगे, या तो आप डायरेक्ट a प्लस बी बराबर 2 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स a प्लस बी बराबर 2, इसे एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट वाला, ये देखिए कांस्टेंट टर्म है तो इसको a प्लस 2b बराबर क्या लिख देंगे, 0।
ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, ये दोनों आपस में एक जाति का है तो दोनों को मिला दिए। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस टू बी, इस तरह से इक्वेशन हम लोग लिख दिए, ए इज इक्वल टू माइनस टू बी। अब ए का वैल्यू निकल गया तो फ्रॉम वन देख लेते हैं मिटा के हम लोग इधर, अब फ्रॉम वन देखेंगे, फ्रॉम वन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है कि ए प्लस बी बराबर टू है। अब ए का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टू बी, देखिए ए का वैल्यू माइनस टू बी, माइनस टू बी प्लस बी इज इक्वल टू टू, माइनस टू बी प्लस बी दैट मीन्स माइनस बी इज इक्वल टू टू, दैट मीन्स बी का वैल्यू माइनस टू, बी का वैल्यू क्या निकल गया माइनस टू। अब ए का वैल्यू भी निकल जाएगा तब हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम, सॉरी इसको टू बोलेंगे हम लोग, फ्रॉम टू क्या है ए इज इक्वल टू माइनस टू बी, तब माइनस टू इंटू बी का वैल्यू क्या माइनस टू, तो ए का वैल्यू क्या हो गया फोर, ए का वैल्यू फोर और बी का वैल्यू क्या हो गया माइनस टू। आप देख पा रहे होंगे दोनों वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग कहां से लिखेंगे, पुनः यहां से लिखेंगे, यहीं पर वैल्यू बैठाना रहता है हम लोगों को, तो हम लोग इसमें बैठा देंगे वैल्यू, अब ये वाला आपको पुनः लिखना होगा। अब हम यहां मेरा लिखा हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे, ये x प्लस टू हो गया और ये हो गया x प्लस वन, ए का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं फोर, तो ये हो जाएगा फोर अपॉन एक्स प्लस टू और बी का वैल्यू है माइनस टू प्लस यहाँ माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, है ना। और चूंकि हमें इंटीग्रेशन पूछा था, क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का है, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दिए, यदि एक तरफ दिए तो दोनों तरफ देना होगा, तो यहाँ भी दे दिए इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जब भी आता है तो अपने साथ क्या लाता है dx, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन आ जाएगा और अपने साथ क्या ले आएगा dx। यहाँ से हम लोग 4 को बाहर निकाल दिए, बोलिए यहाँ क्या बच गया dx अपॉन x प्लस टू, यहाँ से माइनस टू बाहर निकाल दिए, बोलिए क्या बच गया dx अपॉन x प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं आराम से, कैसे कर सकते हैं, ये 4 और dx बाय x इज इक्वल टू होता है log x, तो log x प्लस टू और यहाँ फिर माइनस टू, डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस क्या c, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आ गया होगा तो आप इसको नोट कर लेंगे। और एक हाँ रिक्वेस्ट है, प्लीज यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लेंगे। थैंक यू।